असलम एक बार, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 जिसमें फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो डिस्कस किया था, आज एक्सरसाइज 2.3 की तरफ बढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों ने किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो बाय प्रोडक्ट रूल मालूम करना होगा। तो एक्सरसाइज 2.3, सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ जानना होगी कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। यहाँ पर कोई भी दो फंक्शन आप ले लें, एक एफ ऑफ एक्स है और कोई दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स होता है, तो आपने डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेना है। तो आप इसके ऊपर जब आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो किस तरह अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ देना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया है, दूसरे फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लेना है, तो डी ऑफ एक्स यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख देता हूँ। हमेशा माइंड में रखिएगा कि इनके इन बिटवीन क्या आ जाएगा, जी प्लस आएगा। अब आपने जिस फंक्शन को छोड़ दिया था उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और जिसका डेरिवेटिव ले लिया है उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये हमने जो सारे का सारा प्रोसीजर किया ये किसके अबाउट होगा, प्रोडक्ट रूल होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और इससे पहले एक पावर रूल भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो पावर रूल का भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पावर रूल देखिए, यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, किसी भी फंक्शन की अगर पावर हो तो इसका आप डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। यहाँ पे जो n है इसको शुरू में आप लिखेंगे और इसी n में से एक पावर कम कर देते हैं, तो n माइनस वन आ जाएगा। ये हमने सिंपली ये जो सारे का सारा प्रोसीजर करना होगा ये किसके अबाउट होगा, अब पावर रूल होगा। तो अब एक दो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है, एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स 3। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, सबसे पहले आप इस फंक्शन को किसी एफ ऑफ एक्स के बराबर लेट कर लें, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स पावर 3 प्लस क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग डेरिवेटिव, जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हर एक फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी एक्स एक्स पावर 4 इसका डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है 2, मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट में लिख देता हूँ, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं पावर रूल यूज़ करूँगा, तो एक्स पावर 4 जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है पावर जो होते शुरू में लेके आएंगे, तो ये पावर को मैं शुरू में लेके आता हूँ 4, इसी पावर में से एक कम करेंगे तो एक्स पावर क्या आ जाता है 3 2। अब ये पावर है, पावर को आप स्टार्ट में लेके आएंगे तो स्टार्ट ये 3 शुरू में लिखेंगे, इसी में से एक पावर कम करेंगे तो 3 में से 1 करेंगे तो क्या रह जाएगा 2, और ये पावर को शुरू में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 और साथ क्या आ जाएगा एक्स। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 4 एक्स पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2x। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ये आप लोगों ने जो एक क्वेश्चन था डेरिवेटिव मालूम कर ले कोई भी फंक्शन हो, तो आप इस तरह आप पावर रूल क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आप लोग पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। मैं नेक्स्ट पावर रूल की तरफ, पावर रूल के बाद इसको प्रोडक्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पावर रूल के बाद प्रोडक्ट रूल के ऊपर मुश्तमिल है। तो x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, ये एक क्वेश्चन है जिसमें दो फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, इस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इस फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे एक्स माइनस 5 को छोड़ दूंगा, किसका डेरिवेटिव ले लेना है 3 माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव ले लेंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा, जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया है उसको छोड़ देंगे 3 माइनस एक्स, और जिसको आपने पहले स्किप किया था उसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, तो एक्स माइनस क्या आ जाता है 5 आ जाता है। अब आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये डेरिवेटिव से पहले ये उसी तरह आ जाएगा x माइनस 5, तो 3 माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे
हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा, दरमियान में प्लस, ये टर्म डेरिवेटिव से पहले है, इसको आप उसी तरह लिख देंगे थ्री माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो तो एक्स माइनस फाइव है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, माइनस फाइव का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव आप लिखेंगे वन। आप x माइनस फाइव को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन इस पर अप्लाई करेंगे तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का फाइव, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री माइनस x उसी तरह आ जाएगा, माइनस x और माइनस x मिलके माइनस का टू एक्स बना देगा, और फाइव प्लस थ्री मिलके क्या बना देगा एट। तो ये जो हमने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला है ये बाय प्रोडक्ट रूल होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन रूल का भी समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर जिसमें आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे 2x माइनस थ्री ओवर 2x प्लस वन ओवर 2x प्लस वन। कोई भी टर्म अगर बटे की फॉर्म में आ जाए, इसका आप लोगों को डेरिवेटिव मालूम करना पड़ जाए, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन रूल भी इसी तरह ही आप लोग पहले सीखेंगे कि क्वेश्चन रूल होता क्या है। देखिए कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है, तो अब यहाँ पर जो बटे के नीचे वाला फंक्शन है इसको आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस वन इसको आप स्किप कर देंगे। किसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे आप 2x माइनस थ्री, और इसके इन बिटवीन हमेशा क्या होता है माइनस होता है, यानी प्रोडक्ट रूल में हमेशा क्या आएगा दरमियान में प्लस आएगा, और इसके इन बिटवीन क्या आ जाएगा माइनस। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है आपकी बार उसको छोड़ देंगे, और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पहले नहीं लिया था आपकी बार उसका डेरिवेटिव ले लेंगे 2x प्लस वन। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात तो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या आ जाता है स्क्वायर, तो 2x प्लस वन का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब सिंपली हमने डेरिवेटिव लेना है, 2x प्लस वन उसी तरह आ जाएगा, और इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 2 आ जाता है, जो कि पावर रूल अप्लाई करेंगे माइनस 2x माइनस थ्री उसी तरह रहेगा। अब 2x प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे तो सिंपली इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2x प्लस वन का क्या चलता रहेगा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी जो 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे दो दोनों तरफ है, आप यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लें, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ जाएगा 2x प्लस वन, ये माइनस आगे अप्लाई कीजिएगा माइनस का 2x बन जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 3, और डिनोमिनेटर में 2x प्लस वन इसका क्या चलता रहेगा होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जो 2x है 2x के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, 3 प्लस वन क्या आ जाएगा 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 8 ओवर 2x प्लस वन इसका क्या आ जाता है होल स्क्वायर। तो ये हमने कोई भी फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाला है, किसके थ्रू निकाला है क्वेश्चन रूल। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसमें आप लोगों ने बेसिक तीन चीज़ें मायने में रखनी है कि पावर रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, और क्वेश्चन रूल किस तरह अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्ड करेंगे, उसको मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह नेक्स्ट फिर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा लेक्चर था वो वाइंड अप करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।